Brother. Yes, brother. I love you so much. Baby. तो दोस्तों प्रीमियम में जिस तरह स्टेटस आपने देखा, इस तरह स्टेटस आप खुद का फोटो लगा के बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए। ये स्टेटस को बनाना एकदम आसान है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे आगे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो PNG फोटो वगैरह जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोटो यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलआईडी मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद देखो प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा, और ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करना नहीं आता है तो उसके लिए एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना होगा। तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जितने सारे लेयर है, ये लेयर को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना होगा। देखो तो सबसे पहले जो ग्रुप लेयर है, देखो मेरा जो नाम है चैनल नाम, ये चैनल नाम हटा के आप लोग अपना चैनल नाम दे देना। तो उसके लिए देखो ग्रुप लेयर जो है उसको टच करना होगा, एडिट ग्रुप में आना होगा। और दोस्तों जो लेयर है ये लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना, और इधर से मेरा नाम हटा के आप लोग खुद का नाम दे देना, और फिर से ये ग्रुप से बाहर हो जाना। और दोस्तों देखो ये जो फोन है, ये फोन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना और एलआईडी मोशन में इनपुट कर लेना। तो फोन को एलआईडी मोशन में कैसे इनपुट करते हैं वो अगर नहीं जानते हो तो मुझे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक वीडियो लिंक दे दूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा वो वीडियो देख के ये एलआईडी मोशन में कैसे फ़ोन को इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये लेयर में आप लोग फोन को इनपुट कर लेना, और इनपुट करना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो ये जो लिरिक्स लेयर है ये लेयर में आप फोन को ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद ये जो बीट है ये बीट में आना होगा, देखो ये जो बीट है ये बीट में आ जाना। और दोस्तों ये बीट में आने के बाद दोस्तों जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना होगा, और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फ़ोटो में ऐड कर लिया हूँ, तो एक फ़ोटो ऐड करने के बाद देखो ऊपर में जो 3 डॉट है यहाँ पर टच करना, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है एकदम फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, एकदम लास्ट में आना होगा, लास्ट बीट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो फोटो का जो लेयर है एकदम लास्ट में आ जाएगा, तो ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा, और जो रेक्टेंगल है उसके नीचे रख देना, तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा रेक्टेंगल में देखो। तो फिर से आगे आ जाना, और आगे आने के बाद दोस्तों ये जो बीट है ये बीट में आ जाना, और ये बीट में आने के बाद दोस्तों 3 इमोजी ऐड कर लेना। तो 3 इमोजी ऐड देखो मैं कर लेता हूँ, तो प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना, और इधर से 3 इमोजी को ऐड कर लेना। तो देखो मैं 3 इमोजी ऐड कर लिया हूँ, और यहाँ पर एक बार टच करना होगा, और ये जो अट्रैपिटी ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसका जो साइज है वो आप बढ़ा सकते हो इधर से, तो अपने हिसाब से रख लेना ये साइज को। और ये जो बॉक्स है ये बॉक्स को टच करना होगा, और मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना, और 2 बार टिक ऑप्शन को टिक करना, मूव वाला ऑप्शन में आ जाना, और ऊपर यहाँ पर रखना होगा, देखो यहाँ पर रख देना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और ये जो बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, नीचे जो शेडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और इधर से शेडो को ऑन कर लेना, और ये जो साइज है साइज अपने हिसाब से रख लेना, और बैक हो जाना। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, फिर से ये जो बीट है ये बीट में आ जाना, और ये बीट में आने के बाद दोस्तों फिर से एक PNG फोटो ऐड करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, देखो ये वाला PNG फोटो को ऐड कर लेना दोस्ती वाला। तो उसके लिए देखो ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, और ऊपर जहाँ आप रखना चाहते हो ये PNG फोटो को उधर रखना होगा। तो यहाँ पर देखो मैं रख देता हूँ, और ये जो जूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और ये जो साइज है साइज अपने हिसाब से रख लेना, और ये साइज अपने हिसाब से रखने के बाद दोस्तों ये जो
पिंज फोटो ठीक से एडिट कर लेना, एडिट करना हो जाने के बाद एक बार बैक हो जाना। और ये जो बॉर्डर ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडो, ये ऑप्शन को टच करना, शेडो वाला ऑप्शन में आ जाना और शेडो को ऑन कर लेना। और ये जो साइज है साइज अपने हिसाब से रख लेना साइज को, और साइज अपने हिसाब से रखने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आना होगा, लास्ट बिट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा पिंज जो फोटो है वो ऐड हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो रेक्टेंगल है देखो, ये वाला रेक्टेंगल को ऐसे साइड में दबा कर रखना और ये दो लेयर के ऊपर रख देना। तो कुछ इस तरह हमारा जो इफेक्ट है वो ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो मेन फोटो है ये मेन फोटो में इफेक्ट देना बाकी है, तो अब ये मेन फोटो में इफेक्ट देंगे। तो इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना और एक बार बैक हो जाना, फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मेन फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में आना होगा, हीट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, फिर से फर्स्ट बिट में आ जाना। फर्स्ट बिट में आने के बाद दोस्तों एक पिंजी बॉर्डर को ऐड करेंगे। तो ये जो पिंजी बॉर्डर है ये पिंजी बॉर्डर में हर वीडियो में यूज करता हूँ, आप लोग तो जानते होंगे। अगर आपके पास ये बॉर्डर है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो देखो प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और दोस्तों ये पिंजी बॉर्डर है ये पिंजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। पिंज बॉर्डर ऐड करने के बाद बॉर्डर ऑप्शन में आना होगा, नीचे जो शेडो ऑप्शन है पर टच करके इसका जो शेडो है वो ऑन कर लेना। और जो साइज है साइज अपने हिसाब से रख लेना और एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट बिट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आप स्टेटस आपका जो स्टेटस वो बांध के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करके आप बना लेना स्टेटस को, और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद दोस्तों इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में जो चार ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।